इस तरह आपका स्वागत करता हूँ आज दोस्तों थोड़ा लेट हो गया आजकल दोस्तों बहुत सारे लाइव रूम हैं और बेचारा संप्रास अकेले लगाते लगाते दोस्तों परेशान हो जाता है एक साथ अट्ठारह से ज्यादा टीचर्स लाइव होते हैं बीस इसलिए कभी कभार माफ करेंगे अगर कर थोड़ा लेट हो जाए दोस्तों तो इसके लिए माफी चाहूंगा तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज कुछ दो आधार क्वेश्चन लेंगे एट वॉट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एनी दोस्तों एनी के साथ शेक्सपियर ने कितने वर्ष की उम्र में शादी की फोर्टीन दोस्तों आज पांच पांच ऑप्शन हैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट एटीन सिक्सटीन है 24, 28, 18, 16, इसको आई ओके इस, एनी हेडवे के साथ दोस्तों स्नेक्सपियर ने किस एज में शादी की है इसको आई यस इस, यस राइट आंसर बिल्कुल सही एज पर रिकॉर्ड ही गॉट मैरिड दोस्तों शादी की पंद्रह सौ बयासी के आसपास इसका मतलब है, की उम्र उस समय थी अठारह वर्ष थी गई डेनमार्क इज द राइट आंसर आगे चलेंगे आपको यह भी समझाऊ दोस्तों कई दिन से लेना चाह रहा था द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क अ पोएम एज प्रेस बाई हुम दोस्तों क्या शेक्सपियर का दोस्तों जो पहला फोलियो आया उसमें एक प्रिफेस के रूप में पोएम किसने दी थी ऑप्शन ए शेक्सपियर ने, ने? जॉन हेमिंग्स ने बेन जॉनसन ने जॉन हॉल ने या हेनरी कॉन्डेल ने दोस्तों यह एक मजेदार क्वेश्चन है एक बताएंगे इसको देखता हूँ कितना कवर कर पाते हैं हम लोग इसको इस... Yes. The first द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपिय वर्क पोएम एज प्रेस्ड बाई होम जिसे आप में से काफी लोगों ने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया guys बिल्कुल सही मैं फिर भी फैक्ट बताऊंगा शेक्सपियर के प्लेज का दोस्तों फर्स्ट फोलियो आया पहले दस जान लो फोलियो क्या होता है दोस्तों आपको थोड़ी सी glossary बता दो फोलियो क्या होता है जान ले एक पेपर का पेज जिसे दो लिप्स में खोला जा सकता है उसे दोस्तों फोलियो कहते हैं जैसे किस करिए एक पेज है दोस्तों जिसको यूं दो भागों में हमने खोला है यह फोलियो है दोस्तों अगर इसे चार भागों में खोला जा सके तो इसी को दोस्तों हम लोग गो कॉट बोलते हैं और इसी को अगर आठ भागों में खोला जाए तो इसी को हम ऑटे बोलते हैं दोस्तों क्या ऑटे बोलते हैं आठ भागों में खोला जाए तो पहले दोस्तों पेपर का इतना तो पेपर होते नहीं थे तो यू लंबा फोलियो में आया करता था पेपर का और तो फिर बड़े बड़े पेज हुआ करते थे तो ऐसे में पहला जो दोस्तों ध्यान सुनेंगे जो पहला फोलियो पेज था या जो पहला फोलियो एडिशन था इसे पब्लिश किया शेक्सपियर के दो दोस्त जो उसके साथ प्लेयर्स हुआ करते थे जो कि पात्र का रोल प्ले करते थे और उनका नाम था जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल ध्यान सुनेंगे कॉन्डेल और हेमिंग्स ने पहला फोलियो लेकिन इसका प्रिफेस उन्होंने नहीं लिखा था इसका प्रिफेस लिखा था किसने महान बेन जॉनसन ने दोस्तों और एक पोएम बेन जॉनसन की उसी नाम से आई थी और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है बेन जॉनसन इज द राइट आंसर जॉनसन इसको आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर यस इसको ब्रॉड इन हेमलेट इज वर्ट दोस्तों क्या दोस्तों फोर्टीन रॉज का करैक्टर है किसमें हेमलेट में वो कौन है प्रिंस ऑफ डेनमार्क है यस प्रिंस ऑफ नॉर्वे प्रिंस ऑफ हॉलैंड प्रिंस ऑफ पोर्चुगल प्रिंस ऑफ स्वीडन है इसको फोर्टीन रॉज दोस्तों कौन है और दोस्तों जैसा देखते हैं पहले फोलियो में तब तक आप उत्तर देते रहें मैं थोड़ी जानकारी और दू दोस्तों जो सोलह का जो फोलियो एडिशन आया था उसमें शेक्सपियर के आज हम जितने प्ले जानते हैं सबके सब थे सिर्फ एक प्ले नहीं था एंड दैट पेरिक्लीज उनका यह प्ले दोस्तों फर्स्ट पोलियो में पेरिक्लीज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट पोलियो फर्स्ट पोलियो में पेरिक्लीज नहीं था दोस्तों एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस आपने बिल्कुल सही देखा है दोस्तों सही उत्तर है आपने उत्तर पहले भेज दिए हैं प्रिंस ऑफ डेनमार्क है दोस्तों जो कि हेमलेट की डेथ के बाद जो दोस्तों क्या बोलते हैं आपका वो क्या बोलते हैं दोस्तों यस ओह माफ करेंगे दोस्तोंगे मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यस 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 बी प्रिंस ऑफ नॉर्वे वाह माफ करेंगे प्रिंस ऑफ नॉर्वे अचानक दिमाग से उतरा तो दोस्तों वो बाद में डेनमार्क का भी प्रिंस बनता है कहाँ का थोड़ा सा इसीलिए उलट गया डेनमार्क का भी प्रिंस बनता है क्योंकि दोस्तों डेनमार्क की किंगडम का भी दोस्तों चला जाता है प्रिंस ऑफ नॉर्वे के पास आई इसको ओके क्वेश्चन नंबर आई oh, आई आपको दोस्तों ये लाइन पूरी करनी है और ये भी बताना है लाइन किस प्ले से ली गई है दोस्तों यस आई इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट वॉट मेक्स इट सो हा यहाँ पे एक्स यहां पर आपको जगह भरना है देर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट एक्स मेक्स इट सो टेलिंग सेइंग इमेजिनिंग स्पीकिंग थिंकिंग इसको क्या आएगा दोस्तों यहां पर yes. There is nothing good or bad, but telling, saying, imagining, speaking, thinking makes so. Yes, यो आज guys देखिए ना आप सभी जानते हैं शेक्सपियर तो दोस्तों आज इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि उसका एक एक वर्ड आज उसका दोस्तों एक एक वर्ड यस yes, मैं थोड़ा सा कमेंट दोस्तों देख रहा हूं yes, yes, बिल्कुल yes, yes, right दोस्तों हेमलेट हेमलेट का है दोस्तों और हेमलेट से कि भाई कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है फिलहाल दोस्तों ये तो चलिए हेमलेट इज द राइट आंसर जानते आज यही शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी दोस्तों उसकी एक एक लाइन एक कथन बन चुकी है प्रोवर बन चुकी है एक सूक्ति बन चुकी है लोग दोस्तों हिंदी में भी कहते हैं कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है तो हमारे सोच पर डिपेंड करता है एग्जैक्ट वही कथन है देखिए ना देर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेट इस दोस्तों हेमलेट की लाइने हैं एंड इट्स कम्स आउट ऑफ ई फॉर इंग्लैंड दोस्तों फॉर इंग्लैंड इज द राइट आंसर आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पांच जबरदस्त दोस्तों इज़ ट्रिंकलो इन द द प्ले यस टेम्पेस्ट दोस्तों जो प्ले द टेम्पेस्ट है दोस्तों उसमें ट्रिंकलो कौन है किंग का बटलर है किंग का जेस्टर है किंग का गुलाम है किंग का बेटा है या किंग का ब्रदर है दोस्तों कौन है दोस्तों दोस्तोंकुल इन द प्ले द टेम्पेस्ट द प्ले टेम्पेस्ट में दोस्तों ट्रिंकुलो कौन है यस yes. इसको हो जाएगा इच देखते हैं yes. आई राइट दोस्तों जो ट्रिंकुलो है वो किंग का जेस्टर है दोस्तों क्या किंग का जेस्टर है अरे करेक्टर और है स्टीफेनो स्टीफेनो बटलर है दोस्तों और ट्रिंकुलो राजा का क्या है दोस्तों ट्रिंकुलो राजा का क्या है दोस्तों जेस्टर है एंड द राइट आंसर विदूषक टाइप का दोस्तों जिसे आप इसे क्लोन टाइप का भी कह सकते हो इसको सेज दोस्तोंव बोर्न बेटस इन हेमलेट दोस्तोंट का नहीं दोस्तों इट्स दस्ट देखेगा जब आप डीप पढ़ेंगे देखिए दोस्तों गाइड इत्यादि देखिए दोस्तों ये होता है अगर गलत है तो आप इसको सुधार सकते हैं हु सेज गुड वोम्स हैव बोर्न बैड सनस कौन कहता है क्या कि अच्छी माताओं से भी बुरे पुत्र पैदा होते हैं यह कौन कहता है दोस्तों प्रोस्पेरो एरियल, हा? इसको। कौन कहता है दोस्तों कि अच्छी माताओं से भी बुरे पुत्र पैदा होते हैं तो हम सभी जानते हैं कौन कहता है तो आपको बता दू कौन कहता है चलिए दोस्तों आपको बताएंगे जब प्रॉस्पेरो बता दें से काफी लोगों ने दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं काफी लोगों ने यह uh, मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी काफी लोगों ने दोस्तों उत्तर दिया है यस yes. आइए तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है दोस्तों जब बताता है कि कैसे दोस्तों प्रॉस्पेरो का ड्यूक होता है ड्यूक ऑफ मिलान उसके भाई ने कैसे उसकी गद्दी हथिया ली और कैसे उसे राज्य से षड्यंत्र करके निकलवा दिया वो अपनी बेटी मिरेंडा को बताता है मिरेंडा वही कहती है क्या कि अच्छी माताओं से भी बुरे पुत्र पैदा होते हैं एंड द राइट आंसर इज गाइस यस मिरेंडा यस मिरेंडा कहती है दोस्तों अपने पिता से टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाई जनरल कॉन्सेन दोस्तों मतलब जनरली जो वैसे तो आप जानते हैं शेक्सपियर के प्ले की क्रोनोलॉजी को फिक्स करना बहुत मुश्किल है पर मैग्जिम क्रिटिक्स इस प्ले को उनका पहला प्ले मानते हैं वो कौन सा प्ले है दोस्तों हा रोमियो एंड जूलियट यस हैंनरी फोर्थ पार्ट वन टू जेंटल मैन ऑफ बेरोना लवस लेवर्स लॉस्ट थोड़ा मैं यहां आपको फैक्ट बताऊंगा आप अपने उत्तर भी दोस्तों बताएंगे हाँ okay. चाहूंगा एक बार आपके दोस्तों आ इन सब, फिर हम चलेंगे दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर का पहला प्ले है दोस्तों हाँ इस दोस्तों आपको थोड़ा सा हल्का सा समझाता हूं चलिए मैं देख रहा हूं दोस्तों काफी लोगों के उत्तर आ भी चुके हैं यस तो दो, दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है सभी को आपको दोस्तों बता दें यस बिल्कुल सही लेकिन मैग्जिम दोस्तों हेनरी फोर्थ हेनरी फोर्थ गाय जहा हेनरी फोर्थ को ही यस आई एक बार देख लेंगे यस ओके मोमेंट

फर्स्ट कॉमेडी हाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया उसके बाद क्या टाइटस एंड्रोनिकस देखेंगे टाइटस एंड्रोनिकस टाइटस एंड्रोनिकस वाज द फर्स्ट ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर हाँ ये उनका ट्रेजिडी तो दोस्तों आपने तीन चीजें एक साथ सीख ली पहला हिस्टोरिकल प्ले कौन था हेनरी फोर्थ पहला दोस्तों आपको पहली कॉमेडी कौन थी द कॉमेडी ऑफ एरर्स पहली ट्रेजिडी कौन थी टाइटस एंड्रोनिकस और एक चीज और सुन ले पहली जो उनकी पोएम आई थी वो पहली पोईस कौन थी वीनस एंड वीनस एंड एंड यह उनका दोस्तों पहला पोएम था द द फर्स्ट फर्स्ट नरेटिव नरेटिव दोएम ऑफ शेक्सपियर ये दोस्तों डेटाज हैं जो आपको फिलहाल ध्यान रखने हैं सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी एस तो उत्तर तो आप दोस्तों जान ही रहे हैं बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर आगे चलेंगे नेक्स्ट पर यस चाहे तो आप इसको स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो य yes, इसको हमेशा दोस्तों कंटेंट को समझते रहिए यही है जो सबसे जरूरी है आई यस ट्रेजिक फ्लॉ इन द करेक्टर ऑफ मैकबेथ दोस्तों मैकबेथ के करेक्टर का जो ट्रेजिक फ्लॉ था वो क्या था ऑप्शन ए ओवर थिंकिंग इनसेनिटी इन एक्शन ओवर एम्बिशन आई तो आपको बताना है क्या मैकबेद के करैक्टर का ड्रॉबैक क्या है या ट्रेजिक फ्लॉ या अगर अरस्तु की भाषा में कहूं इट्स कॉड हमारिया इट्स कॉल्ड हेमेर सिया, हा? सिया हा? ट्रेजिक फ्लॉस राइट तो हम सभी जानते हैं क्या देखिए आपको थोड़ा सा बता दो इस ओवर थिंकिंग ज्यादा सोचना और एक्शन दोनों दोस्तों जरूरत से ज्यादा सोचना यह ट्रेजिक फ्लॉ है किसका हेमलेट का दोस्तों किसका हेमलेट का दोस्तों हेमलेट का क्या है हेमलेट हेमलेट पोएट ही इज अ ब्लड फिलोसफर दोस्तों वो दार्शनिक की तरह लंबे लंबे व्याख्यान देता है जबकि उसे क्लाउडियस को मारना है वो इतना लेट कर देता है कि उसकी मौत भी उसी के साथ लिख दी जाती है फिलहाल ये एक बात है दोस्तों अब रही बात दोस्तों मैकबेथ की जब उसने दोस्तों दो मर्डर किए मीन स्पेशली आफ्टर द मर्डर ऑफ डंकन मैकबेथ स्टॉप्ड चाहता तो मैकबेथ रुक सकता था और आराम से राज सुख भोग सकता था किसका स्कॉटलैंड का पर वो चाहता है कि पूरी पूरी सिस्टम का ही सफाया कर दे अंत में यही उसके पतन का अत्यंत महत्वाकांक्षी होना चुड़ैलों के लिए बार बार भविष्य जानने के लिए जाना यही उसके पतन का कारण बनता है और ये इज जिक फ्लॉफ ऑफ कोर्स मैकबेथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन यस इन विच ऑफ द फ्लोविंग प्लेज दज हिपोलिटा पेयर दोस्तों क्या हिप्पोलिटा किस प्ले में कैरेक्टर है ऑप्शन ए मेसर फॉर मैसर द टेमिंग ऑफ स्रू अड समर नाइट ड्रीम एज यू लाइक इट गैस तो आपको बताना है हिपोलिटा इनमें से किस प्ले की कैरेक्टर है तो याद करिए दोस्तों हिप्पोलिटा कौन है आई तो इसमें आपको कुछ पुरुष करेक्टर्स और कुछ महिला करेक्टर्स के दोस्तों में नाम बताता हूं आई इसको इस। सा प्ले के कुछ बात चलते हैं एस ओबेरान कहा गया वैसे तो आप उत्तर जानते ही हैं उत्तर आपके आ ही चुके हैं चलिए एक बार हल्का सा पहले एक बार हो जाए तो फिर आपको बताता हूं शुरू करते हैं दोस्तों जैसा आप जानते हैं थीसियस थीसियस जो थीस्यस है, वो दोस्तों ड्यूक है थीसियस दोस्तों क्या है ड्यूक है और इनका इनकी शादी होने वाली है हिप्पोलिटा के साथ दोस्तों किसके साथ हिपोलिटा के साथ हिप्पोलिटा हिपोलिटा कौन है दोस्तों हिप्पोलिटा है क्या Queen Amazons, Amazons की महारानी दोस्तों फिर है हाँ, ओबेरॉन जो कि परियों का राजा है दोस्तों दोस्तों और इसका इसकी वाइफ है परियो की रानी जिनका नाम है टाइटेनिया हा? आप जानते हैं टाइटेनिया दोस्तों तीसरा जोड़ा जो है चौथा लाइजेंडर लाइजेंडर जो कि प्यार करता है किसको हरमेन से यस हरमेन से और दोस्तों अगला जोड़ा है डिमेट्रियस का जो भी हरीमेोन से वो भी प्यार करता है पर फाइनली उसकी शादी किसके साथ होती है दोस्तों हेलेना के साथ तो ये चार प्लेयर्स है गाइड जो इस प्ले में आपको दिखेंगे और आप जैसा आप जानते हैं यह उनका एक बहुत ही इसे फेरी प्ले भी कहा जाता है कि तो दोस्तों एकदम स्वप्न में शुरू होता है और लास्ट में दिखाया जाता है कि ये मानो कि आप स्वप्न नहीं देख रहे थे इसलिए इसका नाम भी ऐसा है द मिड समर नाइट्स ड्रीम एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सीफ चेन्नई दोस्तों सही उत्तर क्या है सी फॉर चेन्नई यस एक बार कंफर्म करें हाँ सर आगे चलेंगे यस नेक्स्ट आई यस मोस्ट फ्रेंडशिप दोस्तों ये भी एक बहुत ही फेमस कोटेशन है एक बार देखेंगे मोस्ट फ्रेंडशिप इज फैनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली दीज वर्ड्स अकर इन विच प्ले ऑफ एक्सपेयर दोस्तों क्या कि यहां पर फ्रेंडशिप एक नकली बात है प्यार भी खता पूरी है जिसका कोई अंत नहीं है कोई इसका सही सॉल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा है यह दोस्तों लाइनें किससे ली गई हैं हेमलेट से किंगलियर से एज यू लाइक इट ट्वेल्थ नाइट इसको मोस्ट फ्रेंडशिप इज फैनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली दीज वर्ड्स अकिन मैंने दोस्तों आपको बताया था एक करेक्टर है किसमें मैं आपको एक बार पहले आप दोस्तों देख इस शुरू करते हैं इस तो मैं चाहूंगा एक बार तो यह एक बार मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था मुझे भी लगा हेमलेट यह तो आपको मैंने पहले बताया था कि एक करेक्टर है दोस्तों जो सॉन्ग गाता है और उसका नाम है एमियंस जिसे दोस्तों कुछ प्रसिद्ध सॉन्ग आए हैं जैसे क्या ब्लो 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 दाउ विंटर विंड यस लो ब्लो 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 दाउ वेस्ट विंड इस तरह से आता है दोस्तों विंटर विंड यह उस सॉन्ग की पीछे की लाइनें हैं बिकॉज यू आर नॉट सो अनकाइंड इस तरह से दोस्तों आता है यह उसके आगे की लाइनें हैं और ये ली गई है दोस्तों एज यू लाइक इट से और दोस्तों इसका एक सॉन्ग है अंडर द the... ग्रीन वुड ट्री ग्रीन वुड ट्री दोस्तों ये इसके दो ऐसे सॉन्ग हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये भी दोस्तों गाया है किसने एम ने दोस्तों तो यह एक ऐसा कैरेक्टर है इसका जो कई सॉन्ग गा चुका है इसमें तो फिलहाल इसका उत्तर है क्या लाइक जुलाइट एक बार दोस्तों मुझको भी फ्रेंकली बोलो तो कन्फ्यूजन हो गया था इसको लेकर के आइए इसको दोस्तों वर्सवर्थ प्ले वर्सवर्थ ने दोस्तों एक प्ले लिखा था वर्सवर्थ प्ले बॉर्डर्स इज अ वर्स ट्रेजिडी सेट ड्यूरिंग द रेन आप दोस्तों जो बॉर्डर्स उनका प्ले है दोस्तों वह एक दोस्तों वर्स ट्रेजिडी है जो किस महाराजा के कार राज्यकाल के को दिखाता है हेनरी फर्स्ट हेनरी फोर्थ हेनरी फिफ्थ हेनरी थर्ड हेनरी सेकेंड आइए देखते हैं इट्स ओके इसको Yes. तो वर्षवर्थ का प्ले दोस्तों बार्डनर्स किसके राज्यकाल को दिखाता है इसको दोस्तों हमने कई बार पहले भी किया है यस बिल्कुल सही गायज काफी लोगों ने सही उत्तर भी दिए हैं यस और सही उत्तर है गाइज यस काफी दोस्तों यहां पे किंग टाइपिंग बी किंग और बिल्कुल दोस्तों काफी लोगों ने सही उत्तर दिए हैं ये दिखाता है बिल्कुल हेनरी थर्ड के राज्यकाल में दोस्तों एक आधे जगह एक क्वेश्चन आया है तो देख लीजिएगा ये हेनरी थर्ड के शासन काल को दोस्तों दिखाता है आइए देखते हैं इसको तो टिंटर अबे विच रिवर फिगर्स इन द टेंटर अबे टिंटर अबे पोएम में कौन सी रिवर को दिखाया गया है रिवर वाय राय ट्रेंट आउस सेवर्न Yes. तो आपको बताना है किस yes. पोएम दोस्तों जो टेंटर नवे पोएम में किस रिवर को दिखाया गया है आपको ये बताना है इसको विच रिवर फिगर्स इन द टेंटर नवे ह और दोस्तों सभी लोगों ने आता है लाइनें आती हैं। ओ सिल्वन वाई तो आप समझ गए तो रिवर, यस वाई रिवर इसमें बिल्कुल सही दोस्तों टाइम नहीं लेंगे यस आगे चला जाएगा क्वेश्चन नंबर अपेयर इन दोस्तों वर्स बर्थ की किस पोएम में लाइने आती हैं विजडम इज ऑफ टाइम्स नियर वेन वि स्टूप देन देन विसोर करा क्या की कई बार सफलता एकदम तभी मिलने वाली होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं इसकी अपेक्षा की आगे बढ़ने के यह दोस्तों वर्षवर्थ के किस लाइन की किस पोएम की लाइने हैं द प्रल्यूट लिरिकल बलट्स द वाइट डू ऑफ राइल स्टोन एंड दोस्तों पीटर वेल या द एक्सकर्स राइट उस दिन दोस्तों मैंने ही आपको बताया था कि वर्षवर्थ में दोस्तों एक खास बात थी मैंने आपको बोला था ही रोट दोस्तों वो एक पोएम का उन्होंने प्लान बनाया था जिसका नाम जिसका दोस्तों नाम होने वाला था द रेक्लूस तो दोस्तों द रेक्लूस को तीन पार्ट में आना था कितने पार्ट में तीन पार्ट में और दोस्तों यह लगभग अड़तीस से चालीस हजार लाइनों की पोएम थी आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों जो उनकी पोएम है जो उनकी सबसे बड़ी पोएम है द प्रेल्यूट ध्यान सुनेंगे द प्रेल्यूट जो उनकी पोएम है दोस्तों उसका नाम था पोएम टू कॉलरिज देखेंगे पोएम टू कॉलरिज उन्होंने इसका नाम रखा था पोएम टू कॉलरिज पोएम टू कॉलरेज इसका नाम था दोस्तों तो द प्रेलूट ध्यान से देखेंगे द प्रेल्यूट इसका इंट्रोडक्शन था दोस्तों द रेकलूज का तो आप अंदाजा लगाइए कि पोएम कितनी बड़ी होगी और दोस्तों द रिकलूज जैसा मैंने बोला था इट वॉज कंसिडर्ड टू बी इन थ्री पार्ट इसे तीन पार्ट में आना था न तो इसका पहला पार्ट आया न तो इसका तीसरा पार्ट आया इसका आया पार्ट डो और उसी का नाम था दोस्तों द एक्सकर्सन और उसी की एक लाइन है क्या दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं एक बहुत ही फेमस उनका एक फेमस प्ले भी है दोस्तों ये उनका बहुत ही फेमस पोएम है और यहीं से दोस्तों माना जाता है कि वर्षवर्थ के पोएट्रिक कैरियर का यहीं से दोस्तों एंड आई मीन यहाँ से डिक्लाइन होता है उनकी पोइट्री में वो जोश नहीं दिखता जो यहाँ तक दिखता है आगे से हैं इसको वर्सवर्थ इमोशनलिटी और कंटेंस हाउ मैनी स्टेंजाज सेवन नाइन अलेवन फोर्टीन फाइव इमोटैलिटी ओड में दोस्तों कितने स्टेंजाज हैं इसको Hi. तो मैंने आपको पहले ये बताया था क्या यस yes. बिल्कुल सही गाइज इमोर्टेलिटी ओड हैजेवन स्टेंजाज ऑफ वेरिंग लेंथ का मतलब दोस्तों, किसी में कुछ लाइने हैं सबकी लाइने समान नहीं है बट इफ यू आस्क मिस हाउ मेनी लाइन आर देयर इन टोटल देर आर टू हंड्रेड सिक्स लाइन क्या द इमोर्टलिटी ओड ऑफकोर्स दोस्तों ये जो इनकी ओड है दोस्तों यह उनका एक बहुत दोस्तों मैंने आपको पहले बोला था कि वर्षवर्थ की दो पोएम्स हैं जो बहुत ज्यादा जिनसे कोट आते हैं एक तो द टिंटर नवे और एक दोस्तों इमोर्टेलिटी ओड और मजेदार बात क्या है दोस्तों यह पोएम दो सौ की है और इसे ग्यारह स्टेंजा इस में दोस्तों बांटा गया है और अगर दो छह से आप ग्यारह में भाग देंगे तो फिलहाल ये कटने वाला नहीं इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि इसमें लाइनों की संख्या अलग अलग होगी एंड द राइट आंसर आई दोस्तों ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ मोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड दोस्तों इसका एक लंबा सा नाम है तो हम लोग शॉर्ट में मोर्टलिटी ओड बोलते हैं ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोटलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन द फॉर्म ऑफ वॉट रेगुलर ओट भिंडारी कोट और रेसियन ओड रेगुलर ओड या याड हाँ? कैसे ओड के फॉर्म में है दोस्तों हाँ? दोस्तों राइट देखिए एक खास बात है दोस्तों कुछ फॉर्मेट इसका पिंडारी कोड से मिलता है यह सत्य है लेकिन दोस्तों पिंडारी कोट जो थी वो एक रेगुलर रोड होती है आपको बता दें, इट्स रेगुलर रोड इसलिए मजबूरी में हमें ठीक करना पड़ेगा दोस्तों देखिए अगर मैं इसे एक भाषा में कहूं तो आप यू भी कर सकते हैं इट मे भी कॉल्ड एज रेगुलर पिंडारी कोट दोस्तों तो पर पिंडारी कोट को हम रेगुलर नहीं कह सकते मजबूरी में दोनों को कंबाइंड करके ऐसा भी कह सकते हो जबरदस्त आइए विच ऑफ द फॉलोविंग ऑफ रोमांटिसम दोस्तों इनमें से किसे रोमांटिक पोइट्री का मैग्नक आटा कहा जाएगा ऑप्शन है बायोग्राफिया लिटरेरिया डिफेंस ऑफ ballads, लिरिकल spirit द स्पिरिट ऑफ द एज इनमें से किसे दोस्तों हम मैग्ना कार्टा कहेंगे किसका रोमांटिसिज्म का हाँ? इसको आई इस, ओके हाँ? बिल्कुल सही गाइस कहा जाता है कि रोमांटिक पोइट्री का दोस्तों मैग्ना काटा कह का लीजिए या बर्थ ईयर कह सकते हो या बर्थ ऑफ रोमांटिक पोइट्री या यू कैन कॉट प्रिकर्सर पायनियर ऑफ रोमांटिक पोट्री जो भी आप कहना चाहो तो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या कहेंगे बट ऑफ कोर्स इट वॉज दोस्तों कहते हैं क्या इट वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बिल्लर्स एंड दैट वॉज एडिशन हा 1798 एडिशन दोस्तों जो लिरिकल बलट्स का आया यहीं से आप जानते हैं शुरुआत होती किसकी रोमांटिक पोइट्री की सो शीफो इज द राइट आंसर गाइज आगे चलेंगे शीफो चैन इज द राइट आंसर इसको इस, वट इज द टाइटल ऑफ वर्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोए रिलेटिंग टू हे चाइल्ड की ए, उस पोएम का अर्थ क्या है दोस्तों जो उनके चाइल्ड हुड को दिखाती है ऑप्शन है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोशलिटी अवे द प्रलूट और दोस्तों ओड ऑन ड्यूटी है इसको चलिए वो बताए पानी थोड़ा सा पी लू ठीक अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो रीड द क्वेश्चन वंस मोर दोस्तों एक बार क्वेश्चन को और पढ़िए इज द टाइटल ऑफ वर्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेटिंग टू ही चाइल्डहुड अब अगर इसको आप, मैं जानता दोस्तों मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन फॉर ऑप्शन सी दैट इज आप आपने ध्यान नहीं दिया दोस्तों यह तो पूरा उनकी पूरी की पूरी उम्र को ही दिखाता है जवानी तक के ये सिर्फ क्या पूछ रहा है चाइल्डहुड और अभी अभी आपने पीछे देखा है यह देखिए देख लीजिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ये देखिए ए यहां देखिए ये देखिए ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम द रिल रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इसका उत्तर दोस्तों प्रेल्यूड नहीं है इसका उत्तर है क्या जो सिर्फ चाइल्डहुड को दिखाता है दोस्तों द राइट आंसर इज सेवनटीन का आंसर है ए फॉर अमेरिका एक वयस्कर हम समझ गए हैं यस yes, करिये सभी लोग हाँ से हम आपकी बात को समझ रहे हैं इट टॉक्स ओनली अबाउट चाइल्डहुड दोस्तों आप जानते हैं द पर्लूड में दोस्तों तो उनके चाइल्डहुड से लेकर उनकी युवा अवस्था उनके प्रेजेंट तक की कहानी बताई गई है इट्स टॉकिंग अबाउट ओनली चाइल्डहुड एंड दिस इज गोइंग टू बी ओट इंटीमेशन ऑफ एमिटी रिकलेक्शन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड का मतलब ये है शुरुआती चाइल्डहुड से yes, इसको आइए चलेंगे yes. आइए देखते हैं तो। बिल्कुल सभी लोग मान गए दोस्तों समझ गए सिर्फ चाइल्डहुड पूछा था जब ध्यान रखिएगा रीड कई बार दोस्तों क्या होता है जब क्वेश्चन को आप टिक कर लेते हैं तब आप दोबारा पढ़ते देखिए थोड़ा सा वक्त रहता है अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस को आप दोबारा पढ़ सकते हैं और बिना पढ़े आप कभी भी क्वेश्चंस का जवाब ना दे दोस्तों आइए देखते हैं Which, guys, कभी कभी इसी देखे कल मैंने तीस पैंतीस क्वेश्चन ले लिए थे किसी दिन व्याख्या देने के चक्कर में बीस बाईस क्वेश्चन ले पाता हूँ फिर कल कोशिश करूंगा तीस पैंतीस क्वेश्चन लो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहती है वर्षवर्थ words का कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें उन्होंने अपने पोइट्री पर व्यूज पब्लिश किए हैं फिर भी दोस्तों यहाँ पे भी प्रेल्यूट बुक फोर्थ नो प्रथ नहीं फिफ्थ फोर्थ ओट दोस्तों यहाँ पर भी कुछ नहीं कहा गया है सही उत्तर है दोस्तों कि यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया है इट शुड बी एटीन हंड्रेड गाइड देखिए कहीं बुक से दोस्तों क्वेश्चन लिए गए हैं अब आप देख सकते हैं प्रिंटिंग में कितनी मिस्टेक्स होती हैं देख सकते हैं भाई अगर टाइपिंग गलत करेगा कोई सत्रह सौ अट्ठानबे को सत्रह सौ निन्यानवे लिख देगा अठारह सो थोड़ी लिख देगा यार या अठारह सो को सत्रह सो थोड़ी लिख देगा तो सिंपल सी बात क्या है ध्यान सुनेंगे आपको थोड़ा सा मैं कहानी बता दूं एक्चुअली प्लान यही था दोस्तों जिसमें आपने आपने सुना भी होगा यस यस डी इज द राइट आंसर गाइड

पहला पब्लिकेशन कितनी पोएम्स के साथ आया तेईस ध्यान सुनेंगे लिरिकल बल्लट के पहले पब्लिकेशन में देअ ट्वेंटी थ्री पोएम्स गए इसमें से उन्नीस पोएम्स कितनी उन्नीस पोएम्स अकेले किसने लिखी वर्षवर्थ ने लिखी इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी किससे द राइम ऑफ द एंसियट मेरीनर पहली पोएम थी कॉलरिज की और लास्ट पोएम थी टिंटर नवे किस की हमारे वर्षवर्थ साहब की ये तो चलिए एक बात हो गई पर दोस्तों इसमें नहीं आया था प्रिफेस प्लान था इसी में प्रिफेस देने का पर क्योंकि इसमें राइटर का नाम ही नहीं था सेकंड टाइम भी दोस्तों सिर्फ वर्षवर्थ का नाम आया जबकि उसमें भी उनकी एक उनकी दोस्तों क्या पांच पोएम्स बढ़ती कुछ पोएम्स तो वहां पर भी तब जाके इसके साथ प्रिफेस आया अठारह सौ में सो द राइट आंसर फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर आगे चलेंगे नेक्स्ट यस फॉलोविंग पोएम्स वॉज नॉट रिटर्न बाई वर्सवर्थ दोस्तों हाँ इनमें से वर्सवर्थ में कितनी पोएम्स इसमें से वर्षवर्थ, इस इस वर्षवर्थ द्वारा कौन सी पोइम नहीं लिखी गई ड फोडिल्स दी रीपर तिनटर्न अबे लवस फिलोसफी हनमें से वर्सवर्थ द्वारा कौन सी पोएम नहीं लिखी गई दोस्तों आइए बताइए बिल्कुल सही गाई चाहे जो भी हो हमने डफोडिल्स भी पढ़ी है दोस्तों आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड और दोस्तों हमने सोलिटरी रीपर भी पढ़ा हुआ है इंटर्न अभी भी दोस्तों पढ़ा हुआ है हमने यस yes. और हमने लव फिलोसफी फिलहाल नहीं पढ़ी है उनकी पोइम के रूप में सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर गाइज यस डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इस वर्सवर्थ पब्लिस लिरिकल बल्लट्स विथ विद इन कोलाबोरेशन बल्लट्स इन कोलाबोरेशन विद दोस्तों क्या वर्सवर्थ ने लिरिकल बल्लट्स को किसके साथ पब्लिश किया लॉर्ड बायरन एसटी टी कॉलरिज जॉन किड्स पी वी सेले दोस्तों एस आई वर्सवर्थ ने लिरिकल बल्लट्स को किसके साथ पब्लिश किया दोस्तों एस आई और हम सभी जानते हैं दोस्तों इसमें शुरुआत से दोस्तों कॉलरेज और दोस्तों कुछ समय के लिए इन लोगों के बीच मतभेद हुआ दोस्तों लेकिन फिर इनकी फ्रेंडशिप बाद में दोस्तों काफ़ी वैसे गैप काफ़ी रहा दोस्तों दस बारह सालों तक इनकी नहीं बनी मिलने का बिछड़ने के बाद पर दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉलरेज का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा वर्षवर्थ पर और वर्ष वर्थ का दोस्तों कितना इंपैक्ट कॉलरिज पे रहा यह तो बता पाना मुश्किल है दोस्तों कि मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि अगर मैं क्रिटिकली देखूं दोस्तों अगर मैं क्रिटिकली देखूं तो कॉलरिज को बेहतर पोइंट माना जाएगा वर्ष वर्थ से लेकिन उनकी पोइंट्स दोस्तों बहुत कम दिखती हैं और उनको बेसिकली हम लिटरेचर में उनकी जो दोस्तों क्रिटिकल वर्क है उनका बायोग्राफिया लिटरेरिया हम बेसिकली उसके लिए दोस्तों उन्हें जानते हैं फिलहाल एस टी कॉलरिज इज द राइट आंसर आपने बिल्कुल सही कहा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यस आई पैंथिज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइट दोस्तों जो पैंथिज्म का कॉन्सेप्ट है इनमें से किस पोइट के साथ जुड़ा हुआ है ऑप्शन ए वर्सवर्थ बी ब्राउनिंग सी स्कॉट डी जॉर्ज हर्बर्ट इसको यस तो इतनी गर्मी है कि इवन एसी सीम्स टू बी नॉट वर्किंग है वेल well, दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जो अंदर एयर कंडीशनर लगा हुआ है वो भी सही से काम नहीं कर रहा है दोस्तों इस राइट आंसर गाइस पैंथिज्म दोस्तों क्या है प्रकृति की हर चीज में एक जीवित ताकत या ईश्वरीय शक्ति को महसूस करना यह आप जानते ही दोस्तों यह लास्ट में पैंथिज्म दोस्तों इसकी शुरुआत आप देखो तो ओ इमोरटैलिटी ओड से ही हमको दिखाई पड़ती है फिलहाल द राइट राइट ए फॉर अमेरिका इज आंसर आगे चलेंगे यस दोस्तों आज यही तक थोड़ा सा आज कम ले पाया गया थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में बहुत सारा वक्त गया बताएंगे कैसा लगा दोस्तों लगे रहिए धीरे धीरे प्रैक्टिस को और बस दोस्तों अभी शुरुआती अभी हमारे पास देश नहीं मैं दोस्तों एक बार बेसिक क्लियर करना चाहता हूं इस इसमें आपकी राय क्या है एक बार दोस्तों बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ पढ़ते रहिए दोस्तों तो क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ वो पढ़ते रहिए पर मैं चाहता हूँ एक बार बेसिक जरूर क्लियर होगा तो कमेंट ले लू नहीं सर कमेंट okay, नहीं ले रहे इस तो इस। बहुत यार बहुत बहुत, बहुत आप समझ लो कि मतलब एयर कंडीशनर सेवनटीन पे चल रहा है सत्रह पे चल रहा है फिर फिर भी मैं एकदम स्वेटिंग हुई है मुझे आप समझ लीजिए जबकि कमरा चारों तरफ से बंद है यार ये स्थिति है बहुत बहुत ही गर्मी है यार बहुत ही इस तरह से काम इस एग्जाम कब तक होगा देखिए गाय एग्जाम धीरे धीरे होगा परेशान मत होइए पढ़ते रहिए यार हर दिन को अंतिम दिन मान के पढ़िए मेरे बाबू लोग यस सभी लोग इट्स गीता मीना सत्येंद्र सिंह श्वेता पांडे मैं सभी के दोस्तों नाम लेना चाहूंगा इट्स सुरभि इट्स शुभ नि माफ करेंगे इट्स गायत्री कुशवाहा गायत्री जी गुड यस yes. इट्स तनु रावत तनु जी नमस्ते मेरे बच्चों सभी को इट्स अर्चना यादव थैंक यू सर अपनी पूरी दोस्तों जान लगाऊंगा प्रैक्टिस पे बहुत फोकस रखूंगा और धुआंधार आपको प्रैक्टिस दूंगा देखिए दोस्तों क्लास अपना लेते रहिए पर कोशिश करिए दोस्तों प्रैक्टिस पे रेगुलर आइए एक घंटा चाहे दो से तीन कितना भी बिजी शेड्यूल रहेगा चाहे दोस्तों इवन लंच ब्रेक को हटाना पड़े पर कोशिश यही करेंगे कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम है तो आपको जो भी मेरे पास अल्प ज्ञान है थोड़ा बहुत मैं दोस्तों बांटने की कोशिश करूँ देखिए मैं भी कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ पर अपने तरफ से कोशिश करूँगा दोस्तों आपके ज़रूरत में कहीं ना कहीं यूज में आऊँ चलिए दोस्तों एक बार कल के लिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी तब तक तो के लिए दोस्तों बहुत सारे आपके फीडबैक बहुत ही दोस्तों रहते हैं और मुझे बहुत प्रेरित करते हैं गाइज थैंक यू कल अभी दोस्तों थोड़ा बेसिक मेरे साथ आठ दस दिन अपने बेसिक क्लियर करिए दोस्तों एक बार बेसिक क्लियर करिए मुझे मालूम है क्वेश्चन में डीप जाना ही मेरी मेरा दोस्तों आदत है और मैं और भी डीप जाने की कोशिश थैंक यू करूँगा सो लॉट थैंक यू यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की सभी विषय उपलब्ध है इलाहाबाद कुछ मोबाइल नंबर भी दे दे रहे हैं चंद्रा के बारे में आप स्वयं पता करिए सर्वाधिक सिलेक्शन पिछली बार चंद्रा ने ही दिया था ऑफलाइन के लिए तो पूरी नई बिल्डिंग ही ले लिया है बैंक रोड कटरा प्रयागराज लक्ष्मी टाके चौराह के बिल्कुल बगल में और नोट्स के लिए भी आप चंद्राइंस्ट्यूट नोट डॉट कॉम जा सकते हैं ऑनलाइन कक्षाओं के लिए इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए कहां से देखेंगे लाइव बैच का टाइम टेबल कहां से देखेंगे कोर्स कब तक लाइव देख सकेंगे कोर्स के साथ नोट्स पीडीएफ ये सब कैसे आप प्राप्त करेंगे नोट्स कैसे करें और भी महत्वपूर्ण एक एक बातें चंद्रा ऐप की जो खासियत है उस पे हम डिस्कस और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चंद्रा में इतनी अधिक कॉल आ जाती है इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है मेरे भाई ताकि आप इसको देख लो कम से कम कॉल आपको करना पड़े आप सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप चंद्रा इंस्टीट्यूट से इतना स्नेह करते हो चंद्रा से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दिल से धन्यवाद। तो चलिए अरे दोस्त आपको आपको स्टेप फर्स्ट में हम आपको बताएंगे चंद्रा का ऐप कैसे आप इंस्टॉल करें और आईडी एंड पासवर्ड कैसे बनाएं तो चलिए मैं आपको बताता हूं देखिए प्यारे दोस्त स्टेप फर्स्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे सबसे पहले आप चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद प्ले स्टोर पर लिखेंगे भैया चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद आपके मोबाइल में प्ले स्टोर हैं लिखिए चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद डाउनलोड का विकल्प आएगा कभी अगर आपने डाउनलोड किया है तो अपडेट आ सकता है या ओपन आ सकता है तो आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड का विकल्प आएगा आप डाउनलोड कर लो ठीक है अप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा ओपन के, के लिए आ जाएगा आप यहाँ पे रिव्यू भी कुछ अच्छे शब्द सकारात्मक इंसान है अच्छी सोच रखते हैं तो कुछ अच्छे शब्द आप लिख सकते हैं इसके बाद आपके सामने प्रवेश प्रक्रिया तो सबसे पहले यूजर आईडी एंड पासवर्ड देखिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आपसे मांगता है जब आपने पहले से बनाया हुआ है तभी आप यूजर आई आप, पासवर्ड आपके पास है लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर एप्लीकेशन पर आए हैं आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो सबसे पहले आपको क्रिएट योर अकाउंट यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा देखिए क्रिएट योर अकाउंट क्रिएट योर अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे मेरे भाई तो आपके साथ ये विकल्प आया जाएगा इंटर यूजर आईडी पासवर्ड अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो भी ये सेल्फ आप लिखेंगे कुछ मतलब ऐसा लिखिए जिसको लिखने के बाद आप तुरंत कहीं पे सेव कर लीजिए अच्छे से ताकि बाद में आप भूले नहीं तो एक तो आपका मोबाइल नंबर जो हमेशा आपको याद है और एक ये आपका आईडी इसी को अपना पासवर्ड आप बना लो ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे बस हो गया इतना सिंपल सा तरीका कंफर्म पासवर्ड वही पासवर्ड कंफर्म कर दो जो आपने आईडी लिखी है वही आपका पासवर्ड हो गया वही कंफर्म कर दो बाकी मोबाइल नंबर कुछ है ही नहीं है ना उसके बाद आप भैया रजिस्टर्ड कर लो जैसे ही आप रजिस्टर्ड कर लोगे मेरे दोस्त ओ आपके मोबाइल में ओ आएगा कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ओ नहीं आ रही है तो उसका रीजन यह हो सकता है हो सकता हो कि जहां पे आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं हो सकता हो कि डेटा ना हो हो सकता हो कि नेटवर्क वीक हो तो थोड़ा बाद में ट्राई कर लो नेटवर्क अच्छा हो छत पे जाके ट्राई कर लो जहां पे नेटवर्क अच्छा हो वहां ट्राई कर लो तो ओ आ जाएगा थोड़ा सा प्रयास अलग अलग लेवल पे आप कर लेंगे दूसरे नंबर पे आप ट्राई कर लीजिए यह भी एक विकल्प है तो जैसे ओ आप क्लिक करेंगे चंद्र इंसू इलाहाबाद का एप्लीकेशन मेरे भाई ओपन हो जाएगा राइट और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे कभी कभी आपने अपना इंटरव्यू नेम इंटरव्यू मोबाइल नंबर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड आपने फिलअप किया और उसके बाद रजिस्टर करने के बाद नीचे दिखाएगा यूजर आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेरे भाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर दिखाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपके मोबाइल से पहले आईडी पासवर्ड बनाया गया है या तो आपने बनाया या किसी ने बनाया है यह बात है इसका मतलब आईडी पासवर्ड आप भूल गए हैं और जब आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी तो सबसे पहले आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह विकल्प आ जाएगा जो आपके सामने यहां पर दिख रहा है मोबाइल यूजर आईडी तो जिस मोबाइल नंबर को डालने पर यह ऑलरेडी रजिस्टर्ड आया वही मोबाइल नंबर डाल दो वही मोबाइल नंबर और इंटर न्यू पासवर्ड नया पासवर्ड जो कि पासवर्ड भूल गए हो आप तो अपने से नया पासवर्ड कोई डाल दो इंटर कंफर्म पासवर्ड वही पासवर्ड कंफर्म करा दो तो रीसेट पासवर्ड आपका पासवर्ड जो है यहां पे रीसेट पे क्लिक कर दीजिए आपका पासवर्ड बन जाएगा आईडी पासवर्ड आपका बन जाएगा यहाँ पे ओटीपी मांगेगा बस हो गया ओटीपी दोस्तों स्टेप में में हम आपको होम पेज के विषय बताएंगे और कैसे आईडी बनाने के बाद कोर्स कैसे परचेस करें बहुत से निःशुल्क सपोर्ट करता है पीडीएफ के रूप में क्लासेस के रूप में कैसे निःशुल्क जो डेमो वगैरह है कैसे आप देखेंगे संपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं देखिए सबसे पहले तो होम पेज ये है आपका आपके सामने है इस तरह से दिखेगा चंद्रस्ट लाबाद इसके सामने तीन लाइन है और आप इधर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन के लिए दिया गया है जो जहां पे टाइम टेबल दिया जाता है आपको नीचे आप देखेंगे होम कोर्सेस फ्री नोट्स लाइव क्लासेस ये सारे विकल्प दिया गया है तो आपको कोर्स परचेज करने के लिए कोर्सेज पर क्लिक करना है आप अपने कोर्स तक पहुंच जाएंगे देखिए जब आप कोर्सेस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइव लाइव कोर्सेस ऑफलाइन कोर्सेस ये विकल्प आपके सामने आ जाएगा दोस्त ठीक है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं बस देख लो बस स्टेप टू चल रहा है अब देखिए अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेस जो कि लाइव देता है चंद्रा इंस्टीट्यूट लाइव देता है यह बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रा इंस्टीट्यूट 90 परसेंट लाइव क्लास देता है 10 परसेंट रिकॉर्डेड देता है सारी बात एकदम क्लियर आप सभी भाई बहनों को लाइव क्लास के लिए आप लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे मेरे दोस्त और इसके बाद ऑल कोर्सेस स्टेट राजस्थान कोर्सेस पीजीटी जीआईसी लेक्चरर टीजीटी स्टेट स्टेट यूपी कोर्सेस सिविल सर्विसेस यूजीसी नेट इंडिविजुअल कोर्सेज टीचिंग जॉब टीचिंग जॉब में टाइट सी टैट, सुपर टाइट ये सब मिलेगा तो कहने का मतलब एस एग्जाम्स हो गया तो ये सारे कोर्सेज हैं मान लो आपको टीजीटी पीजीटी का कोर्स चाहिए तो टीजीटी ऐसे कैसे आप क्लिक करेंगे मेरे दोस्त तो आपके सामने तमाम कोर्सेस अब आप अपना कोर्स को सर्च भी कर सकते हैं जैसे मान लो आपने लिखा टीजीटी बायो ना तो जो सबसे लेटेस्ट रहेगा वो आपके सामने या जितने भी कोर्सेज रहेंगे टीजीटी बायो के क्योंकि अलग अलग डेट पे हम लोगों का क्या है कि हम डेट कंफर्म कर सात जून है तो सात जून का पंद्रह अप्रैल है तो पंद्रह अप्रैल का बैच दो दिसंबर है दो दिसंबर का बैच डेट से आप एकदम कंफर्म रहते हैं कि किस डेट से ये बैच प्रारंभ हो रहा है जैसे मान लीजिए ये बैच है आपका किसी ब, ब, बंदे ने यहां पे एजुकेशन लिख दिया तो पीजीटी एजुकेशन लिख दिया तो वैसे भी आप यहां सर्च भी कर सकते हैं आपका पूरा दिख भी जाएगा नीचे आप तो सेवेंथ जून से देखिए यह बैच स्टार्ट हो रहा है जैसे ही आपने सेवन जून जी एजुकेशन इस पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने यह देखिए विकल्प आएगा डेमो क्लासेस आप यहां पे देख सकेंगे यहां पे सिलेबस लाइव क्लासेस लेक्चर नोट्स मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस सेट ये सभी वही स्टूडेंट्स देख पाते हैं जो कोर्स परचेज किए रहते हैं लेकिन डेमो वीडियोस भाई हम आपको डेमो देंगे आप डेमो देख लो चंद्रा इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत की कोई भी कोर्स कोई भी कोर्स हम चलाए और किसी भी टीचर को आप 19 नहीं कह पाएंगे 18 नहीं कह पाएंगे 20 ही कहेंगे 21 ही कहेंगे इसलिए हम आपको डेमो देते हैं आप डेमो देख लो ना बिंदास कहते हैं ना चंद्र चंद्राट्यूट ऐसे कहां से लाता है आज से जब आप पूरी क्लास करोगे वही तो चंद्रा इंस्टीट्यूट ने हर चीज जिन कोर्सेस को चलाया जिन कोर्सेस पे पूरा प्रहार किया मैक्सिमम 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 देकर कल्याण सिलेक्शन जॉब इस दिशा में हमने काम किया तो डेमो के माध्यम से आप खुद ही देखोगे अपने से कहने से कोई मतलब नहीं है यार डेमो पर आप जब आप क्लिक करोगे मेरे भाई तो वीडियोस आपके आ जाएंगे प्रॉपर आप डेमो देख लो अच्छे संतुष्ट हो जाओ और यहां पे कोर्स खरीदने के लिए बाय फुल कोर्सेस जब आप नीचे आप देखेंगे तो बाई फुल कोर्सेस का विकल्प दिया गया है फीस आपका दिया गया होगा जैसे यहां पे आपने क्लिक किया पेमेंट प्रोसेस आ जाएगा आप, आप का कुछ डिटेल फिलअप रहेगा कुछ डिटेल आपसे मांग भी लेगा तो आप डिटेल अपना फिलअप कर दीजिए इंटर रेफरल कोड आपसे मांग रहा है तो ये रेफरल कोड आप अगर नहीं भी फिलअप करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है अब बाई कोर्सेज पे आप क्लिक कर दोगे मेरे भाई ओके दोस्त बाई कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपसे कंफर्म के लिए पूछेगा तो कंफर्म पर आप क्लिक कर दो अभी आपका पेमेंट नहीं कटा है अब आपको ले जाएगा कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाह रहे हैं यूपीआई गूगल पे यूपीआई पेटीएम वॉलेट फोन पे जो भी वैसे यूपीआई गूगल पे सबसे आसान होता है सबसे अच्छा होता है इसको आपको बरीता देना चाहिए आसान रहता है इसी पे आप मोस्टली बरीता दीजिए बाकी आप किसी से